कोऑपरेटिव बैंकों की अगर हम बात करते हैं तो एक अहम अध्यादेश को कैबिनेट ने मंजूरी दी है, जिसके बाद अब राष्ट्रपति की मंजूरी मिलेगी, जिसके तहत जितने भी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं अब वो आरबीआई के निरीक्षण में आ जाएंगे। आरबीआई के निरीक्षण में अभी तक कमर्शियल बैंक्स होते थे, लेकिन अब ये अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स भी आएंगे, जिनमें 1482 शहरी सहकारी बैंक और 58 बहुराज्य सहकारी बैंक है। इन सब पर अब ये नियम लागू होगा, ये आरबीआई के निरीक्षण में ही आ जाएंगे। इनके पास, इन बैंकों की अगर हम बात करते हैं तो लगभग 8,60,00,000 खाता धारक है इनके पास, और इनका 4,84,000 करोड़ रुपया इन बैंकों में ही मौजूद है, और इसकी सुरक्षा भी सुनिश्चित हो पाएगी जब आरबीआई के अंतर्गत ये काम करेंगे। वहीं अगर हम मुद्रा योजना की बात करते हैं तो जो 50,000 तक का ऋण, शिशु ऋण लिया होता है, उन्हें 2% ब्याज में छूट दी जा रही है, जो इन लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि 2% ब्याज में छूट मिलेगी इन्हें। वहीं कर्जदाताओं को 31 मार्च 2020 तक जो इनका बकाया ऋण है उसी पर ब्याज की सहायता मिल पाएगी। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि ब्याज सब्सिडी उन महीनों के लिए ही देय होगी जिनमें खाते एनपीए की श्रेणी में नहीं आते, यानी महत्वपूर्ण बात है कि आपका खाता एनपीए की श्रेणी में नहीं होना चाहिए। 1 जून 2020 से 31 मई 2021 तक ये लागू होगा, लेकिन कोविड-19 के तहत आरबीआई ने जिन जिन लोगों को छूट दी है 3 महीने की, उनके लिए 3 महीने बाद यानी सितंबर 2020 से अगस्त 2021 तक ये लागू होगा। वहीं अनुमानित लागत की बात करें तो अनुमानित लागत लगभग 1,542 करोड़ रुपए सरकार इनको खर्च करेगी, और ये बड़े एक फैसला है जो कैबिनेट ने लिया है। लेकिन साथ ही महत्वपूर्ण बात यह भी है कि 31 मार्च 2020 तक 1,62,000 करोड़ रुपए की कुल ऋण राशि के साथ लगभग 9,37,000 ऋण खाते हैं जिनमें ये बकाया है। तो इतनी बड़ी तादाद में खाताधारकों को सहायता मिलेगी कैबिनेट के इस एक फैसले से। एक और फैसले की बात करें तो कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बन रहा है, और उसको उत्तर प्रदेश में जो हवाई अड्डा बन रहा है उसको अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया जा रहा है। इसको स्वीकृति आज कैबिनेट की मिल गई है। अब थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर और श्रीलंका से जो बौद्ध श्रद्धालु आते हैं उन्हें इससे बहुत फायदा होगा। एक और बड़ी बात, क्योंकि बौद्ध सर्किट से जुड़ पाएंगे इसलिए बौद्ध श्रद्धालुओं के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय सीमा के नजदीक है ये हवाई अड्डा, जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि सामरिक लिहाज से ये बेहद महत्वपूर्ण है। एक और फैसला जो लिया गया आज कैबिनेट के द्वारा वो पशुधन से जुड़ा हुआ है। पशुपालन में ढांचागत विकास के लिए 15,000 करोड़ रुपए का फंड का प्रावधान, इसको मंजूरी दे दी गई है। ये जो 15,000 करोड़ रुपए का फंड है ये डेयरी, मीट प्रसंस्करण, पशु चारे प्लांट से जुड़े जितने भी एफपीओस हैं या एमएसएमई हैं या अन्य उद्यमी, निजी उद्यमी हैं, उन सब के लिए अवसर मिलेंगे। इस 15,000 करोड़ के फंड का वो लाभ उठा सकते हैं। आकांक्षी जिले में जितने उद्यमी हैं उन्हें ब्याज में 4% की छूट मिलेगी, जो अन्य जिले हैं वहाँ पे उद्यमियों को 3% तक के ब्याज में छूट मिल पाएगी। लेकिन एक बड़ी बात कि इस कदम से ही 35,00,000 रोजगार सृजन की भी उम्मीद व्यक्त की जा रही है। एक अन्य फैसला जो आज कैबिनेट ने किया वो है ओबीसी आयोग, जिसका कार्यकाल अब बढ़ा दिया गया है, 6 महीने तक ये कार्यकाल बढ़ाया गया है। अब 31 जनवरी 2021 तक ये अपनी रिपोर्ट, ये कमीशन अपनी रिपोर्ट पेश करेगा। एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि कमीशन इस बात का ध्यान रखेगा कि किसी अक्षर की गलती से अगर कोई व्यक्ति किसी आरक्षण के लाभ से वंचित हो रहा है तो इस मुद्दे पर भी वो गौर करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि जो कमीशन है ये जितने ओबीसी वर्ग हैं उन पर भी गौर करता है, उनके वर्गीकरण पर भी गौर करता है, लेकिन साथ ही साथ एक और जिम्मेदारी उनको दी गई है। लेकिन एक ऐतिहासिक फैसला जो आज आया वो अंतरिक्ष क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। अंतरिक्ष क्षेत्र में जो महत्वपूर्ण बड़ा सुधार किया गया उसकी घोषणा जो हुई है कि अंतरिक्ष से संबंधित गतिविधियों में अब निजी क्षेत्र की भागीदारी सुनिश्चित हो रही है। एक नई संस्था है नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, यानी इन स्पेस, जिसका गठन हुआ है, और सार्वजनिक क्षेत्र का भी एक उपक्रम है जो मार्च 2019 से ही काम कर रहा है, वो है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। ये अंतरिक्ष गतिविधियों को आपूर्ति प्रेरित से मांग प्रेरित मॉडल की ओर पुनर्स्थापित करेगा। साथ ही साथ जो फैसला लिया गया इसके तहत जो अंतरिक्ष संसाधन है उनका बेहतरीन उपयोग सुनिश्चित हो पाएगा। लेकिन ये जो अंतरिक्ष को लेकर एक बड़ा फैसला किया गया कैबिनेट के द्वारा, इसके क्या कुछ आने वाले वक्त में दीर्घकालिक परिणाम देखने को मिल सकते हैं, किस तरीके से हमारे अंतरिक्ष क्षेत्र को ये बढ़ावा देगा, किस तरीके से भारत जो पहले अंतरिक्ष के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण काम और एक बहुत महत्वपूर्ण जगह रखता है, विश्व के अग्रणी देशों में शुमार है, कैसे हमारे यहाँ अंतरिक्ष के क्षेत्र में और नए आयामों को हम छू पाएंगे, ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब हम लेंगे अपने मेहमानों से। लेकिन यहाँ पर रुकेंगे।